नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत कोई फैसला ना सुना दे, तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, जिससे संबंधित कई याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, साथ ही कई अहम निर्देश भी दिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कई हाईटेक सरकारी इमारतों का निर्माण होगा। विपक्ष भी इसे फिजूल खर्ची बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाली जगह पर कोई भी पेड़ न काटा जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य की तारीखों पर आपत्ति जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने वाली लंबित याचिकाओं पर कोई फैसला आने तक निर्माण कार्य या इमारतों को गिराने की अनुमति नहीं देगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर सरकार के विचारों की जानकारी देने के लिए केंद्र को 5 मिनट का समय दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए जरूरी कागजी कार्य कर सकता है और नींव रखने के प्रस्तावित समारोह का आयोजन कर सकता है। वहीं केंद्र ने भी अदालत को भरोसा दिलाया कि वो मामले पर शीर्ष अदालत का फैसला आने तक सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए इमारत गिराने या फिर निर्माण का काम नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए आधारशिला रखने का कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद की आधारशिला रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।